हाय एवरीवन, दिस इज विवेक सर फ्रॉम आर्ट ऑफ लर्निंग्स। अकाउंट्स का बहुत अच्छा पेपर हो गया और उसके बाद इतनी सारी छुट्टियों में इको पढ़ने का तो मन करा ही नहीं होगा, तो मैं आपको आज रिमाइंडर देने के लिए आया हूँ कि कल आपका जो इको का पेपर है वो आई थिंक अकाउंट से भी ज़्यादा मैजिकल हो सकता है अगर आप फ्यू टिप्स मेरे को फॉलो करें। तो सबसे पहला टिप मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इंडियन इको इज़ नॉट अ पैनिक सिचुएशन, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है अगर आप कंटेंट के साथ साथ प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दें। एंड नॉट टू फॉरगेट, वो पेपर बहुत मुश्किल नहीं बनाएगा, बस कुछ वर्ड्स यूज करेगा जो आपको थोड़े मुश्किल लगेंगे। तो यू ऑलवेज हैव कि आपको अपना टाइम को मैनेज करना है और उन वर्ड्स के साथ, जैसे क्रिटिकल असेसमेंट है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, मिक्स ब्लेसिंग है, अगर मैं बोलूंगा ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ मिक्स ब्लेसिंग, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जरा ये ध्यान देना पड़ेगा। एंड बिल्कुल पैनिक मत, आप वहाँ पे सिचुएशन पैनिक मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपको जो नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं, बाकियों को भी ना आता हो, इट कुड बी आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कोर्स, तो आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट जरूर करके आए, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट आप ही को मिलेगा। एंड नॉट टू फॉरगेट, आप वहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो आपकी आपका जो पेपर का प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा रहेगा, आप पैनिक नहीं होंगे तो आप कूल और काम कंपोज होके थॉट प्रोसेस भी इंप्रूव कर सकते हैं अपना। और डोंट फॉरगेट डेट आपने पूरे साल पढ़ाई करी है और लाइफ में आपकी इतने सारे एग्जाम्स क्लियर करें आपने और अच्छे नंबरों के साथ करें, तो आई एम श्योर आप इसको भी उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर ये करें कि आप जो मैक्रो के क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट करें, माइक्रो के जो इंडियन इको के क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट करें, और उसके बाद प्रेजेंटेशन अंडरलाइनिंग और मेन वर्ड जरूर कर दें। थैंक यू।